हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो व्लॉग है, ये जब मैं ज़ूप के इवेंट में गई थी उसी के आगे का व्लॉग है, मैंने उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया था। सो फाइनली आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए हम यहाँ जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं वो पता नहीं है पर जाएंगे। तो अभी मैंने आपको जो टेंपल दिखाया वो जब भी हम लोग यहाँ आते थे लोनावला साइड में तो ये हमें हमेशा दिखता था। सो आज चलते हैं, देखते हैं कि अंदर है क्या। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा टेंपल दिखाई देता है, बट सच्चाई क्या है चलिए चलते हैं और जानते हैं। नाम क्या है उसका, किसका, जहाँ जा रहे हैं? पैगोडा टेंपल। पैगोडा टेंपल, तो अभी आप पैगोडा नहीं, पैगोडा, पैगोडा जो बौद्ध टेंपल होता है उसको पैगोडा कहते हैं। पैगोडा टेम्पल बौद्ध है, ये देखिए। बौद्ध लोग होते हैं जो तिब्बत में रहते हैं उन्हें मोम्पा कहते हैं। मोम्पा क्या कहते हैं? मोम्पा। मोम्पा, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ मसूरी की पहाड़ी नहीं, यहाँ पे मुंबई की पहाड़ी है ये। ये देखिए, बताइए क्या होती है, मतलब तुम्हारा क्या मानना है कि क्या होती होगी? आप बताइए क्या होती है, मतलब तुम्हारा, हमें पता होता तो होती होगी। है विपश्यना होती है, ध्यान का एक प्रकार होती है। मंदिर दर्शन करना है? मंदिर नहीं है। क्यों? सिर्फ मेरी जैसे होता है। अच्छा, वहाँ तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, अंदर भी बहुत दूर से आ गए हैं। बस इसी कमरे, इसी रूम में जाने को दो, फिर हॉल पे जाने दो। अरे हम तो बहुत दूर से आए हैं जाने के लिए, जाने दो ना। चलो भाई, अलाउड नहीं है। देखो विपश्यना जो होती है वो ध्यान का एक प्रकार होता है। अगर आपको कोई भी ध्यान करना है तो यहाँ पे लोग उसकी सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब 10 दिन के लिए आपको यहाँ पे आके रहना है, और जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी साइट पे आप उसको बुक कर सकते हो, और मतलब अकेले अकेले, अगर हस्बैंड वाइफ भी आ रहे हैं तो उन्हें अलग अलग रहना, मतलब वाइफ अलग, मतलब लेडीज अलग। 10 दिन के लिए मोबाइल वगैरह सब त्याग के, और यहाँ पे तपस्या टाइप है एक तरीके से। और ऑनलाइन उसका स्लॉट वो है, सारे एसी रूम है यहाँ पे। अच्छा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है। डोनेशन देनी है तो डोनेशन दे सकते हो, बट अदरवाइज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोग बुक करते हैं। चलिए ठीक है भाई, नहीं बेटा मम्मी आना बेकार हुआ भाई, फिर आपका फोगा टेम्पल में मैं नहीं खाती है। चेरी बंद है आगे रास्ता, ये देखिए यहाँ आगे कुछ है ही नहीं। तो बस चलिए घर चलते हैं, घर चल के मिलती हूँ मैं आपसे और बातें करते हैं फिर। सो ये मेरी वॉच है जो कि मुझे मिली है, इसको हम रख देते हैं अपने किचन में। अभी तो मैं इसको कहाँ रख दूँ, इसको टाइम, अभी तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, बाद में फिर मैं इसको सेट करूँगी। ओके गाइस, तो ये अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है जिसमें कि है अदरक वाली चाय, साथ में यहाँ पे आपको बेसन के आज चिल्ले खाने को मिलने वाले हैं, मतलब हमें खाने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे भारती दीदी भी आ गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं, और यहाँ पर नाश्ता भी बन रहा है। अच्छा, कुछ भी हो, बारिश में बढ़िया अदरक वाली चाय अच्छी लगती ही है, आप एक से दो तीन भी चाय पी लेते हैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप चाय कम पिया करो, नुकसान करेगी, तो मैं ज़्यादा चाय पीती ही नहीं हूँ। थोड़ी सी चाय लेती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, वो भी बहुत थोड़ी सी, आधी कप करीब लेती हूँ। और अभी यहाँ पर लंच की तैयारी होने जा रही है, तो ये मैंने एक नया स्टील की कढ़ाई मंगाई है, अगारो ब्रांड की है, जो कि मम्मी इसमें आज पनीर की सब्ज़ी बनाएंगी, तो हमारे यहाँ उद्घाटन होने
होने वाला है नई कढ़ाई का। तो ये 2.5 लीटर की कढ़ाई है और इसमें आप थोड़े से तेल में डीप फ्राई वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, ग्रेवी करी और सॉस भी बनाया जा सकता है। और इस कढ़ाई का यूज़ गैस के साथ साथ इंडक्शन पर भी किया जा सकता है, आराम से खाना बहुत अच्छा बन जाएगा। एंड जो इसका हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आप आराम से इसको पकड़ करके रख सकते हैं, उठा सकते हैं और खाना बना सकते हैं। दिस कुकवेयर इज़ नॉन टॉक्सिक, ड्यूरेबल, नॉन रिएक्टिव एंड कोरोजन प्रूफ है। एंड ये स्टेनलेस स्टील के कवर के साथ आता है, लिड के साथ आता है और आपके खाने को जल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ इसमें 2 ईयर्स की वारंटी भी है। तो मैंने आपको इस कढ़ाई के सारे फीचर्स जो हैं वो बता दिए हैं। एंड काफ़ी अच्छी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, आप लेना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे मम्मी ने मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं और ये जो मसाला है ना, ये मम्मी पहले ही अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना करके रखती हैं और जब सब्जी बनानी होती है तो फटाफट से सब्जी बन जाती है। लेकिन उसके पहले हम लोग ने यहाँ पर टमाटर को अच्छे से गला लिया है, मतलब सॉफ्ट कर लिया है, उसके बाद ही अब इसमें ये मसाला डालेंगे जिससे कि ग्रेवी जो है वो अच्छी बन जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस कढ़ाई को वॉश करने के लिए इसमें तेज धारदार कोई भी स्क्रबर का यूज़ ना करें, अच्छे से इसको सॉफ्ट स्पॉन्ज से साफ़ कर लें, उसके बाद गर्म पानी से वॉश करके इसको आप रख सकते हैं। बाद में आप कोई भी सॉफ्ट कपड़े से इसको पोंछ करके सुखा करके नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है, इसमें थोड़ी सी मलाई भी डाल दी थी बीच में, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। एंड बस अब यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी आप जितना डालना चाहते हैं, ज़्यादा कम वो डाल सकते हैं। देन फिर आप इसको थोड़ा सा एक बार बॉईल कर लीजिए। आप चाहें तो पहले भी आप पनीर डाल के फ्राई कर सकते थे, बट मैंने नहीं डाला। अब जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद ही इसमें हम लोग पनीर डालेंगे। और बस सुपर यम्मी सब्जी जो हमारी है पनीर की, सिंपल सी इजी, वो बनके तैयार है। यहाँ पे मम्मी ने चावल भी बना लिए हैं, मुझे इस पनीर के साथ ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी जब ये वाली सब्जी बनती है तो हम चावल, मतलब मैं तो चावल ज़रूर खाती हूँ। और ये मार निकाल करके मम्मी ने बनाया है, काफ़ी अच्छा चावल, टेस्टी और हेल्दी होता है। टेस्टी नहीं बोलेंगे बट हेल्दी होता है, क्योंकि टेस्ट तो स्टार्च सारा निकल ही जाता है ना, इसलिए, बट हेल्दी होता है, नुकसान नहीं करता है आपको खाने के लिए। और यहाँ पर हमारी सब्जी जो है देखिए बन के तैयार है, ऊपर से गार्निश कर देते हैं धनिया डाल करके। तो यहाँ पे शाम की चाय बन रही है और अदरक वाली चाय, अगेन वही है कि सुबह शाम आपको अदरक वाली चाय एक प्याली तो चाहिए ही होती है। ऐसा लगता है ये बहुत गंदा है, पर ये गंदा नहीं है, वो पॉलिश निकल ओके गाइस। तो आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि वो बनना था, क्या नाम है, लड्डू बनने थे। सो आटा भून के मम्मी ने रख लिया था, फिर कुछ ना कुछ काम पे काम आए जा रहे थे, पोस्ते का हलवा वगैरह, दूध वगैरह बनाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज फिर यहाँ पे लड्डू बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो देसी घी में गोंद डाल करके सबसे पहले इसको निकाल के रख लेंगे। गोंद हेल्दी होता है, सबको पता ही है, और फ़ायदा भी है। तो ये यहाँ पे गोंद जो है वो फ्राई हो रही है, उसके बाद यहाँ पे पहले बादाम हो गया, काजू हो गया, और फिर नारियल गोला जो होता है ना वो हो गया। अलग अलग टेम्परेचर में सब अलग अलग फ्राई होते हैं, तो इसलिए पहले काजू, नहीं तो एक साथ ही भी फ्राई कर सकते हैं ना, तो लेकिन काजू जल्दी फ्राई हो जाता है और बादाम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इस वजह से अलग अलग करके करना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब लड्डू बांधने वाला सिस्टम क्या है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और मम्मी ये मेरे खाने के लिए लड्डू जो है वो सब बना रही हैं कि मैं हेल्दी हेल्दी चीज़ें खा लूँ, और जब वो चली जाएंगी तो फिर ये सब चीज़ें मेरे काम आएंगी आगे, अभी आगे आने वाले टाइम पर। तो ये देख के आपको पहचान में आ रहा है कि कौन सा ड्राई फ्रूट है, ये ना किशमिश है। इसको डाल करके जब घी में डाला तो ये एकदम फूल करके देखिए बेरी की तरह हो गई है किशमिश, मतलब काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। तो बस अब यहाँ पे लास्ट में मखाना जो है वो फ्राई कर ले रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा मखाना फ्राई करके रख लेंगे जिससे कि वही चाय के साथ स्नैक वगैरह जो है उस तरह से खाने को हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अब सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनको हमें क्रश करना होगा। तो पहले ये गोंद जो है ना उसको मिक्सी में नहीं चलाएंगे वरना वो एकदम बारीक हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे मम्मी ने कटोरी से हल्के हल्के हाथ से इसको दबा दिया है तो ये पूरा मैश हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ बैठ गई थी वो मिक्स करने के लिए, मैं कुछ कर रही थी पता नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर पाई मैं। तो सारे ड्राई फ्रूट ले लिया, आटा ले लिया। अब ये सोट पाउडर है, सोट पाउडर अगेन बहुत अच्छा हेल्दी होता है हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे वो मम्मी मार्केट से लेकर के आई थी। अच्छा, ये सारा सामान मम्मी मार्केट गई थी जब ना, तो ड्राई फ्रूट मैंने आपको दिखाया था पहले ले आई थी, फिर घी मम्मी ने मंगा लिया था, तो इस तरह से करके सब कुछ वो घर से बना के नहीं लाई थी, तो यहाँ पे वो उन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया। तो फाइनली अब यहाँ मेरे जो लड्डू हैं वो बनके तैयार हैं, आप लोग भी देखिए और कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बढ़िया देसी घी के शुद्ध लड्डू हैं जो घर पर बनके तैयार हो गए हैं। ओके गाइस, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ, लड्डू बनके तैयार हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।